गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, वीडियो नंबर 60, एक्सरसाइज 2C। 2C का हमने 6 क्वेश्चन बना दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन हम गौर करेंगे। मिडिल ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट 1/3 का पावर -3 मल्टीपल स्मॉल ब्रैकेट में 1/2 का पावर -3 मिडिल ब्रैकेट बंद डिवाइड 1/4 टू दी पावर -3। नाउ इसको बनाएंगे, इसका ऑप्शन हो गया 4, ए में 19/64, बी में 27/60, सी में 64/90 एंड 60/25 नंबर डी। नाउ इसका आंसर तो ए होगा, इतना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 1/3 का पावर -3 है, माइनस 1/2 का पावर -3 है, ब्रैकेट बंद है, डिवाइड है 1/4 का पावर -3 है, तो -3 है। माइनस हटाने के लिए हम पावर बेस को उलट देते हैं, तो 3 का पावर 3 -2 का पावर क्यूब यानी 3 डिवाइड 4 का पावर क्यूब। 3 का पावर 3 है 27, -2 का पावर क्यूब है 8 हो जाएगा, डिवाइड 64, 4 को 3 बार मल्टीपल करेंगे 64 आएगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 19/64, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन यानी लाल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट तीनों है, -1/2 का पावर स्क्वायर, मिडिल ब्रैकेट का पावर -2, बड़ा ब्रैकेट का पावर -1, व्हाट इज द वैल्यू। इसका ऑप्शन होगा 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 यानी प्लस में हो गया, पावर 1/16 यानी 2 बार गुना करेंगे 1/4 को, 4 बार, तो 1/16 आ जाएगा। इस तरह इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन हम गौर करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 7/12 का पावर -4 मल्टीपल 7/12 का पावर 3x इक्वल टू 7/12 का पावर 5 इज। ऑप्शन देखिए, ए में -1, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग चलते हैं कहाँ, द वैल्यू ऑफ एक्स फोर विच 7/12 का पावर -4 मल्टीपल 7/12 का पावर 3x इजकल टू 7/12 का पावर 5। तो जब बेस इक्वल हो तो 7/12 का -4 प्लस 3x इजकल टू 7/12 का पावर 5 है, यह कट जाएगा यानी 3x = 5, यह माइनस जाएगा इधर 4 हो जाएगा, तो 3x = 9, एक्स बराबर हो जाएगा 9/3 कट जाएगा 3 यानी x = 3 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 हो जाएगा। इस तरह 10 नंबर क्वेश्चन आके देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा, इफ छोटा को 2 का पावर 3x - 1 प्लस 10 इज डिवाइड 7 इजकल टू 6, देन एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3x - 1 प्लस 10 है, ब्रैकेट बंद, डिवाइड 7 इजकल टू 6 यानी
टू का पावर थ्री एक्स माइनस वन प्लस टेन इजकल टू सिक्स है, यह इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी टू का पावर थ्री एक्स माइनस वन प्लस टेन इजकल टू 42। इस तरह टू का पावर थ्री एक्स माइनस वन बराबर 42 माइनस 10 हो जाएगा, टू का पावर थ्री एक्स माइनस वन बराबर 32 हो जाएगा। इस तरह टू का पावर थ्री एक्स माइनस वन बराबर टू का पावर पंद्रह, टू का पावर फाइव हो जाएगा, कहे कि 32 का हम आकर फैक्टर तोड़ते हैं तो पावर ये बेस खत्म, तो थ्री एक्स बराबर पाँच यह प्लस वन यानी थ्री एक्स बराबर सिक्स, इसलिए एक्स बराबर सिक्स बटा थ्री यानी टू। इस तरह आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर टू हो जाएगा। इस तरह मैथ फोर क्लास एट।